अमेरिका ने दी मंजूरी, भारत समेत 8 देश ईरान से कर सकेंगे तेल आयात। भारत, जापान और दक्षिण कोरिया समेत 8 देशों को ईरान से तेल आयात करने की मंजूरी देने के लिए अमेरिका तैयार हो गया है। मीटू अभियान, रेप के आरोप पर अकबर का जवाब, पल्लवी की सहमति से बनाए थे संबंध। अमेरिका के एक प्रमुख मीडिया हाउस की पत्रकार पल्लवी गोगोई की ओर से लगाए गए रेप के आरोपों पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने सफाई पेश की है। अकबर ने कहा कि मेरे और पल्लवी के बीच जो भी हुआ वो आपसी सहमति से हुआ, मैंने उसका रेप नहीं किया। अकबर पर रेप के आरोपों पर बोली पत्नी मल्लिका, मेरा घर तोड़ने में लगी थी पल्लवी। मशहूर संपादक और पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर पर लगे रेप के आरोपों को उनकी पत्नी मल्लिका अकबर ने झूठ और बेबुनियाद बताया है। बता दें कि 20 से ज्यादा महिलाओं की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद अकबर पर एक महिला पत्रकार ने रेप का आरोप लगाया है। बोफोर्स मामले में कांग्रेस को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सीबीआई की याचिका। उच्चतम न्यायालय ने बोफोर्स तोप में रिश्वत कांड मामले में सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपील दायर करने में 13 साल का विलंब माफ करने का जांच ब्यूरो का अनुरोध अस्वीकार कर दिया। सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामला, अमित शाह को बंबई हाई कोर्ट से मिली राहत। सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को बड़ी राहत मिली है। बंबई उच्च न्यायालय ने 2014 में शाह को आरोप मुक्त करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती नहीं देने के सीबीआई के फैसले के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने खत्म करवाई हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल। पिछले 18 दिनों से चल रही रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल को हाई कोर्ट के आदेशों के बाद खत्म कर दिया गया है। चिदंबरम के परिजनों के खिलाफ आईटी नहीं चला सकेगा केस, हाई कोर्ट ने आदेश किया रद्द। मद्रास उच्च न्यायालय ने काले धन के एक मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे की मंजूरी देने संबंधी आयकर विभाग का आदेश रद्द कर दिया। बिहार में पुलिसकर्मी की मौत के बाद पुलिसकर्मियों ने की जमकर तोड़फोड़। यूपी के बाद अब बिहार के पुलिस वाले भी बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। ताज़ा मामला राजधानी पटना का है, जहां एक महिला पुलिसकर्मी की मौत के बाद पुलिसकर्मियों ने पुलिस लाइन में जमकर तोड़फोड़ और हंगामा किया। इस दौरान एक कमांडेंट के सिर में गहरी चोट भी लग गई है। राहुल गांधी ने कहा कि कार्रवाई के डर से पीएम मोदी की रातों की नींद उड़ गई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि दसो एविएशन ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस को रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 284 करोड़ रुपए दिए और दावा किया कि राफेल सौदे में जांच होने पर कार्रवाई के डर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रातों की नींद उड़ गई है। कोर्ट ने आशीष पांडे को दी जमानत, 5-स्टार होटल के बाहर लहराई थी पिस्तौल। दिल्ली के 5-स्टार होटल में तमंचा लहराने के पूर्व बीएसपी सांसद राकेश पांडे के बेटे आशीष पांडे को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बेल दे दी है। पुलिस ने आरोपी आशीष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।